जी तो भाई लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? सब ठीक है यार। जैसे आप सब जानते हैं, आज पहला रोज़ा है था रमजान मुबारक। तो मेरा सुबह से दिल था कि आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए। बहुत प्यारा मौसम आना था कराची का, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, सुबह से बारिश जा रही थी। छुट्टी ख़त्म हुई है 1 घंटा पहले, तो मैंने क्यों पढ़ा भाई, आप लोगों को कराची के सीट सिखाते हैं। बारिश के बाद लाइक बहुत महसूस करना कि पानी खड़ा रहता है, और यहाँ पर माशाल्लाह हमारे कैसे भी। बेसिकली हम लोग सीट व्यू करने जा रहे हैं आज, सीट का व्यू होगा। और देखते हैं भाई, कहते हैं कि ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, बारिश आता है तो पानी आता है। नहीं, मैं नहीं मानता भाई, कोई माने ही ना माने, हमें तो मानना पड़ेगा। तो हम इस टाइम निकले हैं भाई अपने घरों से अफ्तारी वगैरह के लिए, अफ्तारी वगैरह लेने के लिए, फूड वगैरह, इस तरह का सिस्टम है। बाकी रोड के पे इतना पानी नहीं है, कुछ भी नहीं आपके सामने। कुछ इलाके यहाँ पे ऐसे जहाँ पर लाइक बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, बारिश का हल्की सी भी बारिश होती है तो भी बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। लेकिन कुछ इलाके यहाँ पे ऐसे हैं कि जहाँ पर पानी लाइक ऐसा सच नहीं आता। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारी लेफ्ट साइड पर हमारी साइड निकली, यहाँ से निकले हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं हम लोग। अभी हमारा माइंड ये था कि ऊपर से हम लोगों ने जाना है, ताकि उस दिन हम लोग आपको नीचे से लेके गए थे स्टेडियम का व्यू करवाया था। अभी हम लोग बिल्कुल ऊपर से जाएंगे। लोगों की बाइक में भी ख़राब हुई है, यहाँ स्टे करें थोड़ा, जो भी है चलो। अभी हम लोग ऊपर से निकलेंगे तो आप लोग को व्यू करवाते हैं कुछ, बस अच्छा अच्छा व्यू करना भैया। आप भी जैसे वैसी चीज़ नहीं देखना, रोज़े हैं, सही है? तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। तो भाई लोग यहाँ से हमारी, आगे मैं आपको बता के मैंशन करूँगा, बताऊँगा भी। मुझे तो यहाँ से अभी नेशनल स्टेडियम की लाइट्स नज़र आने लगी हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाएंगे। हम लोग यहाँ से भाई लेफ्ट साइड पे निकलेंगे तो आ जाएगा नेशनल स्टेडियम नीचे से, लेकिन हम लोगों ने ऊपर जाना है। और देखिए सामने लाइट्स नज़र आ रही हैं, अगर हम नीचे जाएंगे तो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल आ जाएगा लेफ्ट साइड पर। राइट साइड पे अगर नीचे जाके हम राइट साइड टर्न करेंगे तो ऐसा स्टेडियम, लेफ्ट साइड पे हमारे आगा खान यूनिवर्सिटी। ये अभी सामने आपको बिल्कुल क्लियर अड़े टकराने लगी थी भाई, ख्याल कर धूपी थी। अभी हमारे जी ऊपर से जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल आ जाएगा। और बिल्कुल हमारे राइट साइड के ऊपर आपको नेशनल स्टेडियम नज़र आ रहा होगा, ये वहाँ पर दिखाता हूँ थोड़ा क्लियर व्यू। लाइट्स आपको यहाँ से क्लियर नज़र आएंगी, ये नज़र आ गई आप लोगों को लाइट्स, वैसे स्टेडियम की लाइट्स हैं। ऊपर से भी ये साइड पे शील्ड लगाई हुई है इन्होंने, इसी वजह से क्योंकि मैच वगैरह होते हैं तो सिक्योरिटी का मसला। अभी लेफ्ट साइड की रोड हमारी सीधी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को जाती है, यहाँ से आपको नज़र भी आएगा। ये देखें जो वाल की बिल्कुल वाल के अंदर सारा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, ये कोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं प्लेन के, ये सारा। और अभी यहाँ से व्यू आ रहे हैं नेशनल स्टेडियम का, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए अच्छा व्यू आ रहा है, ये क्लियर व्यू है। सो जैसे मैंने आपको बता दिया था कि ये बैठे व्यू आ रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं। ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो ये पार्किंग है, यहाँ पर ज़्यादातर पार्किंग होती है नेशनल स्टेडियम में, जो मैचेज वगैरह होते हैं तो पार्किंग सही है। अभी यहाँ से इसके साथ ही बिल्कुल नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, लोगों के पास पासिस वगैरह होते हैं, इसके मेंबरशिप कार्ड होंगे, लोग आते हैं जिम वगैरह, यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक बने हुए हैं, रनिंग ट्रैक बना हुआ है, तो लोग आते हैं। ये स्टेडियम जैसे कि आपको पता है, उस दिन में मैंने व्यू करवाया था आप लोगों को, ये पानी हो गया बारिश का, उस दिन में मैंने आप लोगों को व्यू करवाया था ये नेशनल स्टेडियम। तो बाकी आज थोड़ा अच्छा व्यू आ गया मे भी, लेकिन कुछ चीज़ अच्छी भी हैं, कुछ अच्छी ये चीज़ अच्छी होती हैं या नहीं, यहाँ देखें यहाँ जरूर रमजान है भाई, क्लियर नज़र रखे। आज वैसे मार्केट ज़्यादा बंद है, मेरा मानना नहीं था कि मार्केटें बंद होंगी, लेकिन ये अब नज़र आ रहा है आप लोगों को मार्केट ज़्यादा बंद है। इस बस से भाई बच के रहना है। तो सामने लेफ्ट साइड पर जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, सुरक्षा गैस की बिल्डिंग है, और देखें वो सुरक्षा गैस की बिल्डिंग है। हमारे राइट साइड पे से एक सेंटर आ जाएगा, वो सुरक्षा गैस वालों की बिल्डिंग आ गई लेफ्ट साइड पर, बिल्कुल आपको नज़र आ रही होगी, ये सारा सिविक सेंटर आ गया। तो अब
अभी हम लोग लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो वो सदर की तरफ निकल जाएगा हमारा एरिया, राइट साइड पे जाएंगे तो बाकी नासुरबाद लेफ्ट है वहाँ की तरफ निकलेंगे। ये वही पानी आ गया बारिश वाला। खैर कई इलाकों में पानी खुशक हो चुका है लेकिन कई इलाकों में अभी भी ऐसे के वैसे ही है। खैर हमें तो नहीं ऐसा इशू से चलते हैं, आपको दिखाना ही होता है। एक एमसी की बिल्डिंग आ गई है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग है। अगर ये लेफ्ट साइड में निकल भी जाए तो यहाँ दस्करी पारा वगैरह सदर की तरफ जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न लेके राइट साइड पे निकल जाएंगे इसी रोड पर, ये नासी रोड जाएगा, गुलिस्तानी जोहर आएगा, इसी के ऊपर निपा आएगा, आगे जाके सफारी पार्क आ जाएगा, मौसमियात और गाँव हॉस्पिटल इधर निकल जाएगा। ये जैसे हम नीचे उतरेंगे ना तो इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर हमें एक चेजक नज़र आ जाएगा और ये तकरीबन ईसा नगरी का इलाका है, इसको ईसा नगरी कहते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर क्रिश्चन बसें हैं और ये देखें ये चेजक आ गया, ये मंडी वगैरह लगी हुई है यहाँ पे, पता नहीं कब लगी हुई है, जब भी गुजरती जाती होती है तो पता नहीं क्या है। लेकिन अभी ये जो इलाका आ रहा है ये सारा ईसा नगरी का इलाका है, यहाँ पे ज़्यादातर में भी क्रिश्चन रहते हैं इसलिए इसको ईसा नगरी कहते हैं। बाकी हमें सुना तो हमने यही है, ये हफ्तों के लिए ये भाई ईसा नगरी। ये देखें ज़्यादातर इस पुल से इसको किया जाता है कंसीडर, ये वाकई पुल है कि ईसा नगरी का इलाका है। ये राइट साइड पे भी है सारा। अभी हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे तो अगर लेफ्ट साइड पे आप जाएंगे रोड के ऊपर तो ये ऊपर लियारी एक्सप्रेस वे के लिए जा रही है रोड, लाइक ऊपर चढ़ जाएंगे तो लियारी एक्सप्रेस वे आ जाएगा और ये ऊपर से जो पुल हम क्रॉस करेंगे ये भी लियारी एक्सप्रेस वे का ही पुल है, मतलब लियारी एक्सप्रेस वे गुजर रही है और ये जो दरमियान में पुल लगेगा हम कराची नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं, कराची नदी है ये। और आगे फिर वही लियारी एक्सप्रेस वे का जाने वाला पुल आ गया, वहाँ से उतरते भी हैं लोग जो है नीचे उतरना है तो बस ऐसे नहीं। अभी बारिश का पानी भी कहीं कहीं पे है भाई, हम उसको कुछ कह तो नहीं सकते लेकिन इकट्ठा किया। खैर भाई हमें क्या लेना देना पानी बारिश का हो, अच्छी बात है लेकिन बारिश से रहमत होती है, लेकिन कुछ लोग अपना काम ना करके इसको दूसरों के लिए रहमत बना देते हैं तो ये हमें भी बुरा लगता है यार। बाकी बारिश तो माशाल्लाह की रहमत है। बाकी मैं आपको बताता हूँ अगर हम यहाँ से राइट निकल जाएंगे तो वो जो पे एम के एम का मरकज़ है 90 वहाँ जाएगा, वहाँ इलाका है कि उसके ऊपर फूड सीट भी है, एक छोटी सी फूड सीट है उसको जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने राइट नहीं जाना, हम लोगों ने लेफ्ट जाना है, जो आगे हम लोग लाइक लखताबाद आ जाएगा, लखताबाद के बाद आगे नाजमाबाद, नाजमाबाद के आगे रीड बैंक और फिर आगे बनारस। लेकिन हम लोग यहाँ से अंडर पास से मेरा दिल कर रहा है जाने का क्योंकि आपको दिखाने हैं अंडर पास ही यहाँ के तो, लेकिन भाई क्या करें, डर भी लगता है कि पानी ना खड़ा हो, लेकिन चले चलते हैं ट्राई करते हैं, उम्मीद है पानी नहीं होगा। इन बसों से भाई बच के रहना, मैं तो कराची इन बसों से बहुत दूर से गुजरता हूँ, पता नहीं लगता क्या चीज़ खुल जाए इनकी। अभी हम राइट साइड से निकलते हैं अंडर पास आ जाएगा, ये लगता बहुत अंडर पास है, लेफ्ट साइड निकल जाएंगे तो लखताबाद आ जाएगा और ये अगर ऊपर से हम टर्न करके राइट निकल जाएंगे तो ये सारा सैराब रोड और कराची टूर प्लाजा मतलब कराची से बाहर निकल जाएगा रोड। ये अंडर पास की एक साइड पर जो लाइट्स हैं जल जाएंगे, दूसरी साइड पे भी है कहीं कहीं लेकिन जल जाएंगे। बाकी कंडीशन ओवरऑल तो अच्छी है अंडर पास के नीचे से, बाकी साइडों से फर्निश तो नहीं है लेकिन अभी राइट साइड पर वो काम स्टार्ट किया फर्निशिंग का इन्होंने ना तो, लेकिन हम खैर चलते हैं आगे अपनी मंजिल की जानब। तो भाई निकल पड़े हम लोग अपनी मंजिल की जानब, अंडर पास क्रॉस कर लिया हमने, ये सारा आगे लखताबाद का इलाका आ गया, सारा एक का सारा लखताबाद है। आगे हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और भी इलाके होंगे, मुझे इलाकों का ज़्यादा नहीं पता, मुझे उस साइड पर पता है इलाकों का, इन इलाकों का हमें ज़्यादा नहीं पता हुआ तो जिनका नाम पता हो उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए तो अच्छा ही है, लेकिन ओवरऑल ही लगता बात कहलाता है इतना तो हमें पता है। तो आगे निकल रहे हैं, ओवरऑल तो व्यू अच्छा है, कहेंगे पानी खड़ा हुआ है देख सकते हैं हम, तो ये टंकर माफिया जा रहे हैं भाई कराची में, यही सबसे ज़्यादा नजर आएंगे आपको पानी सप्लाई करते हुए।
अभी हम आगे से अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो आगे से दोबारा हम लोग आगे आ जाएगा नाजमाबाद। नाजमाबाद का जो ऊपर वाला फ्लाईओवर है, मतलब ऊपर जहाँ से ट्रैफिक गुजरी होगी, वो ग्रीन लाइन का टर्मिनल है। ग्रीन लाइन का भी वेव सी पे वो बनाया हुआ है, लेकिन हम लोग इसके अंदर से गुजर जाएंगे इंटरफास से। तो ये इंटरफास थोड़ा खस्ता वाला स्टार्ट में है। ये देखें जी, जो ऊपर वाला बना हुआ ना पुल, ये वो ग्रीन लाइन के लिए है। ऊपर से ग्रीन लाइन गुजर जाती है, इसकी डबल पुल मतलब बना हुआ है। ये लंबा अंडरपास है और साइडों से वही इसकी फर्निश नहीं है, लाइट्स हैं इसकी और वर्किंग कंडीशन में है लाइट्स, तकरीबन इसकी वर्किंग कंडीशन में है लाइट्स। और ये पानी थोड़ा खड़ा हुआ है इधर एंड पे। ये इसका ग्राउंड आ गया राइट साइड पे मारे, इसके भी राइट साइड पे फर्निश किया हुआ है, लेफ्ट साइड पे फर्निश नहीं किया हुआ। फर्निश हो या ना हो में से कोई मसला नहीं है। अभी ये राइट साइड पे सारी आप लोगों ने नजर आ रही है सारा, राइट साइड पे नाजमाबाद है और ये नाजमाबाद है सारा का सारा। आगे इसके नंबर है और ये सारी बाइक मार्केट है। राइट साइड पे है ओवरऑल सारी की सारी बाइक मार्केट्स हैं, लेकिन यहाँ पे बाइक के मैकेनिक्स वगैरह, ये पानी लोग मेरा ख्याल अपने भी यहाँ पे साफ़ कर रहे होंगे, मैं भी यहाँ जो भी है सच। अभी अगर हम लोग आगे जो पुल आ रहा है, हम पुल के ऊपर चढ़ के निकल जाएंगे सीधा, तो हम लोग आगे गुलबई की साइड पर उतरेंगे। लाइक आगे सारा इंडस्ट्रियल एरिया क्रॉस करते करते हम लोग गुलबई पहुंच जाएंगे। गुलबई का आप लोगों को पता ही है तो, लेकिन हम लोगों ने गुलबई नहीं जाना, हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे निकलना है। तो लेफ्ट साइड का ये सीन हो जाएगा कि लेफ्ट साइड पे आगे काफ़ी आगे भी जाता है, लेकिन ये सारा लेफ्ट साइड पर टर्न करेंगे कि आगे सदर मिल जाता है, जाके गार्डन क्रॉस करके जू क्रॉस करके सीधा सदर। लेकिन हम लोग ने लेफ्ट साइड जाके फिर राइट टर्न करना है। ये वाला आपको पुल कह रहा हूँ, अगर हम ऊपर से जाएंगे तो गुलबई की तरफ निकल जाएगा ये पुल, ये वाला पुल सारा। अब ये राइट साइड के ऊपर पेप्सी कंपनी की यहाँ पे फैक्ट्री है सारी, पेप्सी वगैरह की जितनी भी वर्जी है यहाँ पे बनते हैं। लेफ्ट साइड पर इनका गोदाम आ गया पेप्सी वालों का, ये माशाल्लाह पानी खड़ा हो इंडस्ट्रियल जोन आ गया स्टार्ट हो गया। ये लेफ्ट साइड टर्न करेंगे नॉर्थ स्ट्रंगी आएगा आगे वही गार्डन। ये हम लोग वी बैंक एरिया में घूम रहे हैं, इसको वी बैंक चुरंगी कहते हैं, ये सारा वी बैंक चुरंगी का इलाका है। अभी हमारे मेट्रो में सामने ऐसे भाई कट था, लेकिन वो ख़त्म कर दिया, नॉर्थ चुरंगी से घूम के आना पड़ना था, तो हम भी हमें खर्ची वाला काम करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। राइट साइड पे सारा वही चल रहा है, फैक्ट्री की कंपनी है। ये मेट्रो एरिया स्टार्ट हो गया है सारा। ये जो ब्रिज है इसके नीचे से भाई बाय बाय कर रहे थे ऊपर बैठे, ऊपर भाई ब्रिज के नीचे से भाई गुजरती है कराची सर्कल रेलवे का ट्रैक है, लेकिन अभी तो बंद कर दिया दोबारा उन्होंने। और लेफ्ट और राइट साइड पे इंडस्ट्रीज है, बिल्कुल राइट साइड पे हमारे एयरवे का हेड ऑफिस है। हम पुल उतर के ना नीचे से जाएंगे तो वो आएगा, जहाँ से हम लोग अभी बैंक से टर्न हुए थे वो वाला पेमेंट सीधा आए तो इधर आते हैं एयरवे के ऑफिस में। ये सारा भाई मेट्रोविल का एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। आगे मेट्रो भी आता है भाई, मेट्रो भी दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ से। मजा नहीं आ रहा है ये भाई, मेट्रो भी आ रहा है आप लोगों को भी दिखाना है, लेकिन अभी हमारा माइंड है थोड़ा फ्यूल भरवा ले, तो फ्यूल भरवाते हैं बल्कि नहीं वापसी पे भरवा लेंगे, माइंड चेंज करते हैं पहले आके निकलते हैं। ये है भाई वलीका चुरंगी, ये सारी वलीका है। इस लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो पब्लिक हैपर वगैरह आ जाएगा और आगे बल्दी आ जाएगा। ये मेट्रो स्टेशन आ गया, मेट्रो शॉपिंग मॉल चोरी मेट्रो स्टेशन कह रहा हूँ। तो भाई ये था सारा लोग लस्सियाँ दोनों साइडों पे इसके। हम अभी भाई आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।